तो गाइस मैंने एक हेडफोन परचेस किया था कोटोनिच का, तो लगभग 1000 रुपये में। और आप लोगों को भी ऐसा हेडफोन खरीदना है तो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में। और फास्ट हम चेक आउट करते हैं अमेजोन में करेंट प्राइस कितना है। तो चलो मैंने ये ब्लू कलर का हेडफोन खरीदा था, तो अभी उसका प्राइस है 1300। और आप लोगों को ऐसा हेडफोन खरीदना है तो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में। और ये रहा वो हेडफोन, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस हेडफोन के बारे में आप लोगों को मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलो गाइस, ये है वो हेडफोन। ये हेडफोन तो अच्छा ही है बहुत, बट इस हेडफोन का एक बुरी बात भी है। ये जो माइक देख रहे हो ना, ये जल्दी से आप जब ऐसे करोगे ऐसे करोगे ये थोड़ा लूज हो जाएगा, एंड आप जब गेमिंग कर रहे हो तब ये गिर जाएगा। आप लोग तो ये माइक तो यूज़ नहीं करेंगे, बहुत लोग स्टैंडर्ड माइक ही खरीद लेंगे, बट जब ये माइक ऐसे ऐसे गिर रहेगा आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। और बाकी ये हेडफोन बहुत अच्छा है, आप लोग खरीदना है तो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में। और ये कोटोनिच का हेडफोन है, मॉडल G2000। ये मैंने लगभग नवंबर में ही ख़रीदा था, ब्लू कलर का। मुझे ब्लू कलर बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को उसका प्राइस होगा लगभग 2000। मैंने इसको 2000 रुपये में परचेस किया था इस हेडफोन को। और आप लोग यहाँ पर थोड़ा LED लाइट भी जलता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। LED लाइट के लिए ये एक USB टाइप का कुछ किया हुआ है, और अच्छा ही है। 2000 रुपये में माइक, देन हेडफोन। इसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है और इसका बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। और एक चीज़ उसका मुझे बुरा लगा, ये बहुत जल्दी से ये मतलब ये ख़राब हो जाता है। और बाकी तो हेडफोन बहुत ठीक है, खरीदना है तो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में। 1, 2, 3, come on!